बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं मौजूद हूँ अपने होम टाउन तलागांग में और यहाँ पर क्रंचीज के नाम से एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का सेटअप एक नया तैयार हुआ है। फास्ट फूड का सेटअप है और साथ में आइसक्रीम और बाकी जो भी चीज़ें हैं। तो आइए मैं आपको इसका तफसीली रिव्यू कराता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ बनती है, ये मशीनें कहाँ से आई हैं और यहाँ पर कौन कौन सी आइटम्स इजाद करते हैं। तो मैं बिला तखिर जो है इसहाक साहब से आपकी बातचीत कराता हूँ। मलिक इसहाक साहब जो है वो यहाँ के ओनर हैं, वो थोड़ा बिजी हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से? सर हमें थोड़ा सा ये बताएं कि आपने तलागांग के इलाके में बहुत बड़ा रिस्क लिया है, आपने इतना खर्चा करके इतना अच्छा सेटअप बनाया है, तो आपको ये ख्याल कैसे आया, यहाँ पर क्या चीज़ आप बना रहे हैं, थोड़ा सा रिव्यू दें हमें। यहाँ पे सर हमने ये बनाया है, क्रंचीज का सेटअप है जी। इसमें आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, जिंगर बर्गर और फ्राइज वगैरह पूरी हमारे पास रेंज है। ये आपको दिखाएंगे कैमरामैन जो हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, आपको मैं ब्रोशर भी शेयर कर दूंगा। उसके अलावा हमने यहाँ पे नया जो शुरू किया, क्रंचीज तो हमारे पास पहले ऑलरेडी है जी, तो अब हमने शुरू किया इसके साथ। आइसक्रीम है हमारे पास, स्लश है जी, फ्लेवर सोडा है। चलिए मैं आपको उसका एक्सपर्ट हूं, मैं उसको ज्यादा वीडियोस की बनाता हूं आइसक्रीम की। चलिए आप भी देख के जरा बताएं कि हमने ठीक बनाई है कि नहीं। नहीं, आप हमें बताएं कि ये मशीनें कौन कौन सी हैं। ये देखिए, ये हमारे पास मशीन है जी, ये अल मदीना गोल पॉइंट रावलपिंडी से हमने बनवाई है। माशाल्लाह जी, बड़े अच्छे बंदे हैं। ये तमाम मशीनें वहीं से आई हैं? हाँ जी जी, ठीक है। माशाल्लाह बड़े अच्छे बंदे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं जी, और डिस्काउंट भी देते हैं। माशाल्लाह जी। तो ये चार फ्लेवर्स हैं, इसमें चॉकलेट वनीला है जी, ये चेंज होता रहेगा उसके, और वो है हमारे पास स्ट्रॉबेरी और मैंगो जी। उसके आगे हमारे पास है स्लैश, स्लश स्लश मशीन, ठीक है। ये स्लश है जी, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास है सोडा, सोडा सोडे में हमारे पास फ्लेवर्स हैं, लेमन है, ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, माल्टा है, लीची है, सेब है, आड़ू है। सही है जी। इसके अलावा भी हमारे दो फ्लेवर और हैं जो मिक्स करके बनते हैं। तो इंशाल्लाह ताला तलागंग में इस तरह की क्वालिटी आपको आज से पहले मिलेगा, आज से पहले नहीं मिली होगी आपको और आइंदा भी नहीं मिलेगी मुझे। अभी आपकी सेल शुरू हो गई है या देर है? अभी हमारी ओपनिंग होनी है जुम्मे वाले दिन इंशाल्लाह, तो जुम्मे के बाद रेगुलर सेल शुरू हो जाएगी। अभी हमने टेस्टिंग बेसिस पे चलाया हुआ है, तो लोगों के रिव्यू ले रहे हैं, उनको फ्री आइसक्रीम खिला रहे हैं, फ्री स्लैश खिला रहे हैं। अल्लाह आपको कामयाब करेगी, आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया है। अच्छा भाई ये बताएं, थोड़ा सा हमें तफसील के साथ बताएं कि क्रंचीज में आपके पास क्या क्या वैरायटी है, उसके बाद हम जो है ना आइसक्रीम का प्रैक्टिकल वो भी देखेंगे, फिर स्लश का प्रैक्टिकल देखेंगे, थोड़े से हमें शक्ल भी नजर आने चाहिए। मैं आपको किस तरह की यहाँ से बताता हूँ कि हमारे पास पिज्जे की जो है ना वो 17 फ्लेवर है, 17 फ्लेवर। अच्छा, उसके अलावा आपको बर्गर्स मिल जाएंगे, फ्राइज मिल जाएंगे, विंग्स मिल जाएंगे, नगेट्स मिल जाएंगे जी। उसके अलावा हमारे पास डील है, सही स्टूडेंट डील है, और काफी सारी डील है, चिकन बाइट्स हैं जी, चाइनीज रेंज में हमारे पास चिकन चाउमिन है, माशाल्लाह बहुत सारी चीजें हैं। आप यहाँ विजिट करें इंशाल्लाह ताला आपको मजा आएगा। तलागांग में आपकी होम डिलीवरी भी है मेरे ख्याल में? हाँ जी, मुकम्मल। सही, मैं आपका नंबर जो है वो वीडियो पर शो कर दूंगा, बिल्कुल दे सकते हैं। हमारे जो फ्रेंचाइज के नंबर हैं वो ऑलरेडी भी नेट पे मौजूद हैं, मजीद इस वीडियो में भी आप दे दीजिएगा। सही, तो अब सर जो मेरा मेन मुद्दा है वो आइसक्रीम का, आइसक्रीम जो प्रैक्टिकल मैं आपको चेक कर, आप किस तरह की आइसक्रीम बनाते हैं। जी नाजरीन, मुझे बहुत ज्यादा खुशी इस चीज की भी है कि जवेद साहब जो है अलमदीना फूल पॉइंट वाले, इनके वीडियो आपने अक्सर मेरे चैनल पर देखी होंगी, ये आज मेरे होम टाउन में आए हुए थे और ये मशीनें जो हैं वो खुद चलाकर इनको चेक करके दे रहे हैं। तो जवेद साहब से चंद बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवेद भाई। जी वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया, आप आपको वेलकम करते हैं तलागांग में, बहुत शुक्रिया। और फिर ये बताएं कि आपके यहाँ पर आने का मकसद क्या था और आपने ये मशीनें आपने बनाई हैं सारी, तो इनके बारे में थोड़ा सा रिव्यू दें हमें। असल में ना भाई ने मुझसे जब मशीनें ली ना तो इन्होंने साथ वादा भी लिया जी कि जी आप खुद आएंगे, हमें मशीनें जो है ना वो चला के भी देंगे, सही हमें रेसिपी भी देंगे जी, और हमें बहुत अच्छा मियार चाहिए, सही है, आइसक्रीम टॉप क्वालिटी मियार चाहिए, मतलब प्रीमियर हो यहाँ तलागांग में इनकी जो आइसक्रीम है ना। वैसे मेरे आने से पहले, क्योंकि पहले मैंने रेसिपी बताई थी जी, तो मेरे आने से पहले ही माशाल्लाह इन्होंने तैयार की हुई है, माशाल्लाह तो मैंने टेस्ट किया, मुझे बहुत अच्छी लगी, सही ठीक है जी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनके कस्टमर से कि वो यहाँ आए और एक दफ़ा लाजमी टेस्ट करें, इनको टेस्ट करें। तो इनके पास माशाल्लाह फूड में रिसीव वैरायटी है काफ़ी सारी, बिल्कुल पिज़्ज़ा है, जिंगर है, स्लैश है, आइसक्रीम है जी, और सोडा जो एक नई आइटम है यहाँ पूरे तलागंग में, ये पहली ब्रांच है जिसपे ना इन्होंने स्लश और सोडा ये ओपनिंग ओपन किया जी, सही है। और मैंने टेस्ट भी किया जी, बहुत आला और बहुत जबरदस्त है, सही माशाल्लाह, ठीक है जी। सर आप हमें थोड़ी सी मशीनें जो है ना वो इनके अगर कुछ खसूसियत बताना चाहें कि ये कौन सी मशीनें हैं? ये माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी की मशीन है। हाँ जी,
ये सबसे शाइन है क्योंकि ये हम खास पॉइंट के लिए बनाते हैं जी। तो इन्होंने माशाल्लाह पूरे सेटअप के लिए लिए। सही है। तो अभी मैं आपको रिव्यू देता हूं, इसके कौन बनाकर दिखाए जरा अपने हाथ से, हमें भी पता चले कि डिप आइसक्रीम जो है वो किस तरीके से बनती है। अब नाजरीन ये होगी टॉपिंग, अक्सर लोग मुझसे फरमाइश करते हैं कि आइसक्रीम की टॉपिंग कैसे होती है, तो आज मैं आपको एक एक्सपर्ट के हाथ से जो है वो टॉपिंग वो दिखा रहा हूँ। ये पहले इन्होंने इसको लिक्विड चॉकलेट में डिप किया और इसके बाद आप देखें कि किस किस तरीके से ये क्या क्या चीज़ लगा रहे हैं। अगर मैं थोड़ा करीब से करके दिखाएं, ये है जी प्रीमियम क्वालिटी टॉप क्वालिटी की आइसक्रीम होती है उसकी ये टॉपिंग है जी। माशाल्लाह ये भाई भी मेरे ख्याल ओनर हैं, जहाँ के आप इनको गिफ्ट पेश करें जी, पैसे कौन सा। अभी मैं आपको कप में जरा डेकोरेट करके दिखाएं जी। ये भाई लिक्विड चॉकलेट है और ये नहीं, ये डिप चॉकलेट है, डिप चॉकलेट। और ये क्रंच है हमारे पास, हमने खुद तैयार की है, खुद तैयार की है। सही जी जी। और ये स्प्रिंकल्स, ये स्प्रिंकल्स हैं और वेफर बिस्कुट भी है। ये आइसक्रीम को चार चांद लगाते हैं माशाल्लाह। ठीक है, अभी हम आते हैं स्लश की तरफ। सही है जी, ये हमारे स्लश है। अच्छा, स्लश का फ्लेवर जो है ना, इस पे बहुत डिमांड होती है जी, कितना फ्लेवर यूज करना है, कैसे यूज करना है, बहुत आसान है जी। आपने कई वीडियो बताया कि बहुत आसान है। हाँ जी, ये मुश्किल नहीं है जी। राजीव जी प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि स्लश जो है वो कैसे बनती है। आपने देख रहे हैं इसके तीन स्प्रे आपने किए हैं, फुल बड़ा गिलास है ये। और ये ना हमारी स्लश तैयार हो गई। अभी जरा एक और फ्लेवर को बनाकर दिखाया तो मैंगो है या कौन सा फ्लेवर है जी? ये स्ट्रॉबेरी है, ये तो स्ट्रॉबेरी बन गई। बहुत शुक्रिया जवेद भाई, आपने हमें टाइम दिया। आप अयाला का बहुत मसरूफ भी थे, बहुत शुक्रिया भाई। साहब भाई से हम थोड़ा सा जो है ना सोडा मशीन का रिव्यू लेते हैं और वीडियो पर बहुत लंबी हो जाती है, पर बाद में लोग बोर होते हैं, तो बहुत शुक्रिया सर। जी नाजरीन, अब साहब भाई जो है भाई, आप हमें इसका ना सोडा का जो है थोड़ा सा रिव्यू करके दिखाएंगे। सोडा कैसे तैयार होता है एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूं कि हमारी जो आइसक्रीम है वो ऑलपर्स और मिनरल वाटर में बनती है। सही। इसमें कोई हम ऐसी चीज नहीं इस्तेमाल करते जो मदरसिया, तो सही आप जितनी भी खा लें आप। मैंने देखा है कि आपके पास वो बकायदा सर्टिफिकेट मौजूद है। हाँ जी, तो इसमें हम कोई ऐसी चीज नहीं यूज करते जो गला खराब करे। दो कप खाएं, तीन कप खाएं, बिल्कुल आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सही, इसमें आपको छोटे के फ्लेवर चेक कराऊंगा। गैस वगैरह भी जो है वो दूसरे ड्रिंक्स से ज्यादा है। सर हम आप थोड़ी सी अपने लोकेशन बता दें, जो मतलब तरगंग से बाहर से कौन आता है वो तरगंग अवेलेबल है जी। आप अगर गूगल मैप्स में सर्च करें तो वहाँ पे भी हो जाएगी। इसमें क्रंचीज की भी अलग लोकेशन है, चिल जोन की अलग से लोकेशन। वैसे ये मवेशी हॉस्पिटल जो है तलगंग का, नया अड्डा क्रॉस करेंगे आप शहर की तरफ, थोड़ा सा आगे तकरीबन एक फरलांग आगे आके
तो पहला जो बाईपास मोड था उससे पहले रशीदिया बुक मार्ट है जी, उसके साथ ये हमारा क्रंचीज का और चिल जोन का सेटअप। सही जी सर, इंशाल्लाह फिर आपके पास इंशाल्लाह हम करीब विजिट करेंगे जी, जरूर, जरूर। और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इंशाल्लाह। आपकी आप मेहनत है वो भी, गुजारिश है कि एक दफा आके टेस्ट लाजमी चेक करें जी, और इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा और आप कहेंगे कि वाकई किसी ने चकवाल से आगे बहुत अच्छी चीज बनाई है इंशाल्लाह। ठीक है सर जी, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी इंशाल्लाह। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।